कोई कंट्री है वो पढ़ने का पैसा दे रही है, पढ़ने का भी पैसा दे रही है, आप आके बस यहाँ पढ़ाई कर। सिक्योरिटी तो कोई इशू है ही नहीं, मतलब इतना सेफ था, इंडिया में भी नहीं फेल करेंगे। लेकिन ये कि जो जो टेक्नोलॉजी 10-20 साल के बाद इंट्रोड्यूस होने वाली है उस पर अभी से रिसर्च चल रही है, एंड उस पर ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग कोलैब करके पढ़ाई के साथ में सीख रहे हैं। तो मींस हम लोग एडवांस स्टडी कर रहे हैं यहां पर। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिविंग इन इटली। टुडे इन दिस वीडियो वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट अमंग विद अस। शी इज हैविंग अ मोर देन 2 ईयर ऑफ स्टडी एक्सपीरियंस इन इटली, सो वी विल बी हैविंग अ क्लियर पिक्चर अबाउट द इटली, अबाउट द लाइफ इन इटली, अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इटली। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी मोर फोकसिंग अबाउट टुवर्ड्स अ गर्ल्स पार्ट, एंड शी इज अ गर्ल एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। सो दिस वीडियो इज मोर बेनिफिशियल टू आर गर्ल्स एस्पिरेंट्स जो इटली आगे पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में, एंड गर्ल्स के लिए यहाँ क्या क्या लिविंग कंडीशंस होती हैं, गर्ल्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम गर्ल्स हम ये भी बात करेंगे यहाँ स्कॉलरशिप का क्या सीन है, एंड इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम कितने एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। ये एक हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्योंकि जो बंदा यहाँ पर पिछले 2 साल से ज्यादा रह रहे हैं तो शी इज गोइंग टू गिव अस अ क्लियर पिक्चर। तो चलो चलते हैं वीडियो में, एंड हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम इसमें जॉब पर्सपेक्टिव भी बात करेंगे कि अगर आप इटली में, इटली या यूरोप में कहीं से मास्टर्स अपना कुछ भी ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं उसके बाद जॉब है नहीं है, एंड जॉब के बाद में क्या स्कोप है, हम ये भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट अगर जब अपनी कंट्री से मूव करते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द पेरेंट्स क्वेश्चन, कि हमारे पेरेंट्स को क्या क्या इनसिक्योरिटीज होती हैं अपने बच्चे को पहली बार घर से बाहर भेजने में, स्पेशली यूरोप इटली में भेजने के लिए, लाइक अगर अपनी गर्ल चाइल्ड को पहली बार घर से बाहर भेज रहे हैं जो इनसिक्योरिटीज होती हैं उस सबको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सो ये इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये इंटरव्यू पूरा, लाइक अगर आप चाहें तो 1.2x स्पीड में भी दे सकते हैं, एंड आई विल रिकमेंड कि आप ये पूरा इंटरव्यू देखें, क्योंकि इससे आपको ये क्लियर पिक्चर मिलने वाली है कि आपकी लाइफ क्लीमिंग कैसी होने वाली है। एंड ये इंटरव्यू देखने के बाद में आपको और आपके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आने वाला है कि आप जैसे अपनी जो फ्यूचर जर्नी लेके जा रहे हैं उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, कितनी आपके पास सेफ्टी है। सो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चलो अब चलते हैं इंटरव्यू के लिए, सो दैट कि आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएं। तो अब चलते हैं इंटरव्यू में। आज हमारे साथ मेरे सीनियर हैं, आज हम इनका एक्सपीरियंस लेंगे, आज हम सारे डाउट सारे क्वेश्चंस लेंगे जो हमें कमेंट में आते हैं कि लाइक गर्ल्स के लिए मेसिना सेफ है या गर्ल्स के लिए बाहर पढ़ने आना चाहिए, गर्ल्स के लिए बैचलर्स के लिए आना चाहिए। लाइक मास्टर्स के लिए बहुत लोग आते हैं, पीएचडी के लिए बहुत लोग आते हैं, बट बैचलर्स के लिए लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बिकॉज क्या होता है कि घर पे हर किसी ने 12th पढ़ाई घर पे कर रखी होती है, और अपनी बेटी को बाहर भेजना बहुत बड़ी बात होती है, सिंगल अकेले भेजना। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आए ऑडियंस के, सो दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर सिक्योरिटी, रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम, रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो वी विल टॉकिंग अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। सो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, सो कैन वी हैव योर क्विक इंट्रोडक्शन, सो दैट आर ऑडियंस शुड नो दैट फ्रॉम वेयर आर यू, लाइक व्हाट कोर्स यू आर परस्यूइंग, then we can proceed with the questions. Hi everyone, I'm a second year master's computer science engineering student, and I'm from India, Kolkata. This is my introduction. Let me tell you, she is a second year girl student, and she have a vast experience. If we talk about your bachelor's and about master's, so you have work experience as well, right? So let's begin with the first question. So why you decided on Italy only, not any other country? In Europe, Italy is quite feasible for us, as the education system is quite good over here. In the research sector also, Italy is quite good. But normally, jitna maine research kiya tha, first thing jo hamari Indian families ka hota hai, mainly jo bahar aane ka sabse bada issue hota hai, wo hota hai the money. It's the main issues. That's why, matlab, normally hum Canada, jahan par bhi hum invest karte, it's more than 1 year mein 26 lakhs, 29 lakhs hum invest karte. जहाँ पर इटली आना बहुत फिजिबल रहा है, हम जर्मनी भी जा सकते हैं, जर्मनी की गुड, वेरी गुड क्वालिटी, जर्मनी इज ऑल्सो, यूरोप में मैक्सिमम कंट्रीज भी बहुत अच्छी गुड क्वालिटीज देती है, क्योंकि इनका रिसर्च सेक्टर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो इनकी क्वालिटी द बेस्ट है, क्योंकि इनका जो डिजाइन है स्टडी कोर्सेस है वो एज पर द प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल, एग्जैक्टली एज पर द न्यू टेक्नोलॉजी। मैं एज आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो उस हिसाब से इनकी डिजाइनिंग जो है सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी है। ओके, सो ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालें तो शी इज टॉकिंग अबाउट कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, एक तो वहां पर एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है,
सेकंड वहां पर फीस और चार्जेस और लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, जो हमारे इंडियन फैमिलीज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज़ अगर इंडिया में देखा जाए तो 80-90% मिडिल क्लास फैमिली, एग्जैक्टली, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लाइक हम कोई अगर डिग्री परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स एंड उसमें हम 50-60 लाख रुपए लगा दे रहे हैं, कोई वर्थ इट नहीं है, पूरी फैमिली का पूरा खर्चा ही लगा दे रहे हैं, मतलब लाइक फैमिली कांट अफोर्ड दिस मच। बट अगर हम इटली की बात करें तो हियर आई थिंक कि वीजा प्रोसेस एप्लीकेशन लाइक ट्यूशन फीस तो फ्री है, ट्यूशन फीस फ्री है, फिर आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करी यहाँ पढ़ने के लिए, मतलब दिस इज अ मिरेकल थिंग, इट्स हैपेंड, इट्स अ वेरी गुड थिंग, मींस कोई कंट्री है वो पढ़ने का पैसा दे रही है, पढ़ने का भी पैसा दे रही है कि आप आके बस यहाँ पढ़ाई करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ाई करना है, बस अच्छे से पढ़ाई करना है। ओके ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर आपको फ्री पढ़ा रही है तो उनका जैसे लाइक हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके पीछे एक हमारा इंटेंशन होता है, हमारा कुछ हम बेनिफिट देखते हैं, तो ऐसा क्यों है कि इटालियन गवर्नमेंट आपको पढ़ा रही है, दे आर पेइंग यू अ ह्यूज अमाउंट राइट विच इज 7 लाख अप्रोक्सीमेटली, ट्यूशन फीस भी देनी है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसका पीछे आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम इनका गलत है या इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो है, इंटेंशन क्या है स्कॉलरशिप देने का? इनका जो है जो वर्क, मतलब अगर आप नॉर्मली जो भी आज न्यूज़ पेपर्स जितना भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोविड में इटली की हालत क्या रही है, यू नो द मोस्ट ऑफ मैक्सिमम मतलब वाइप आउट हो चुकी है, और इनका जो मैक्सिमम सेक्टर या मैक्सिमम पीपल है जो वर्कफोर्स है वो एजेड है, मोर देन 60 एज, ओके, जिनके पास वर्कफोर्स नहीं है, वो अट्रैक्ट कर रही है, ये तो वन का है ही रीजन। और अगर आप लोग सोचते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो है, नो इट्स वेरी रॉन्ग, बहुत स्टैंडर्ड एजुकेशन है, यहाँ के हर प्रोफेसर, हर कॉलेज के प्रोफेसर के पास आपके बहुत स्टैंडर्ड रिसर्च मिल जाएंगे जो जिस पर वे काम कर रहे हैं। ओके, अगर मैं इसमें यहाँ ऐड करूँ तो अगर हम ऐसे देखें जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है QS वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें भी यहाँ की यूनिवर्सिटी अंडर 1000 से ऊपर राइट, हमारे इंडिया के आईटीज के अलावा और कुछ नहीं आते, नहीं आते, तो अगर ऐसे भी अगर हम लोग देखें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है। मैंने इनका, मैंने कहा ना पहले ही कि इनका कोर्स डिजाइन बहुत अच्छा है, कि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी बट न्यू वेज में जिस तरह से हमारा न्यू मॉडर्न टाइम्स चल रहा है उस हिसाब से इन्होंने पूरा डिजाइन किया है। अगर हम कोर्स के डीपली बात करें तो here they don't want to force you कि आपको ये पढ़ने हैं, like they have a particular basic structure है कि आपको total 5 subject पढ़ने हैं, but 3 आपके mandatory हैं, जो आपने subject लिया है, 2 आप अपनी मर्जी से ले लो, right? तो मतलब इस हिसाब से मॉडर्न जैसे जो हम लोग इंडिया में लेके आने वाले हैं कि having a some new education policies, तो जो इंडिया फॉलो करने जा रहा है वो यहाँ ऑलरेडी चल रही है, तो इस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर यहाँ पर पढ़ने के बाद अगर जॉब भी सर्च करते हैं तो हम नॉर्मली जो मॉडर्न टाइम्स में जो फॉलो होने वाली अपकमिंग 20 इयर्स में जो हम फॉलो करने वाले वो आपको कॉलेजेस में डिजाइन में दिख जाएगा, कोर्स डिजाइन में। ओके, और नॉर्मली इनका जो सबसे अच्छा मैटर है कि इट्स अबाउट द प्रोजेक्ट्स जो आपको रियल टाइम में वर्क करने को मिल जाता है। ओके, मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं वो रियल प्रोजेक्ट होते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। एंड सेकंड ये कि जो जो टेक्नोलॉजी 10-20 साल के बाद इंट्रोड्यूस होने वाली है उस पर अभी से रिसर्च चल रही है, एंड उस पर ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग कोलैब करके पढ़ाई के साथ में सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मीन्स हम लोग एडवांस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ये इनका सबसे कि आप यहाँ से अगर पढ़ के अपनी कंट्री मूव होना चाहते हो तो लाइक आपको 5-6 साल के बाद में आपको ऐसा लगे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जो वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। Exactly. मतलब आप इन हैंड एक्सपीरियंस यहाँ ले सकते हैं कॉलेजेस का, ये सबसे अच्छा। तो मींस हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आफ्टर योर एजुकेशन यहाँ जॉब का सिनेरियो में बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप ट्राई करते हैं, अगर मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे पीपल्स के कि ऐसा करने से, मतलब हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो हमें जॉब मिलेगी। ठीक है, जॉब इंडिया में भी पढ़ने से वी हैव टू वर्क हार्ड, यहाँ पर भी पढ़ने से यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू मेक योर स्किल्स टू बी वेरी यहाँ के लोग जो है, जितना मुझे इतना आइडिया, जितना मेरा रिसर्च वो कहता है, यहाँ पर मेनली ये लोग स्किल्स बहुत फोकस्ड है, बहुत स्किल फोकस्ड है। आप कितने स्किल्स, बट यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि जॉब्स में यहाँ पर क्या है कि एक बेसिक सैलरी भी है, हाँ, तो डिफाइंड है वो तो डिफाइन, क्योंकि आप डिस्टिंग्विश हमारे मतलब आप में गैप्स नहीं होने की वजह से, गैप्स को ज्यादा नहीं करना है कि सो दैट मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, ये गैप्स नहीं होने की वजह से ये डिसाइडेड है यहाँ पर, देयर इज अ एवरीथिंग इज डिसाइडेड। ओके, मतलब जस्ट लाइक आवर कंट्री की वहां पर बहुत गैप हो जाता है रिच में और एक मिडिल क्लास में, यहाँ इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हर चीज को, ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर हैं तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी तो जो कारपेंटर उसको, यहाँ पर हर
चीज को सेम बेसिक पे लेवल रख दिया है कि वो तो आपको मिलना ही है, वो प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंस ही आपके एजुकेशन में। आप ऐसा नहीं है, हमने जैसे इंडिया बीइंग अ इंडियन स्टूडेंट, आप जैसे पढ़ते आए हो कि फ्रॉम आप साइंस पढ़े हो, देन यू गो टू इंजीनियरिंग और मेडिकल, देन यू मूव टू मास्टर्स इन अ साइंस, करेक्ट करेक्ट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप साइंस भी पढ़े हो, नेक्स्ट आप मूव कर सकते हो आर्ट्स डिपार्टमेंट पे भी, आपकी रिसर्च किसी और डिपार्टमेंट भी हो सकती है। मींस यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है आप उस डायरेक्शन में मूव कर जाओ। जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है कि बैचलर्स करने के बाद ही हमारे लोगों जनरेशन इतने समझदार हो पाते हैं कि वो पता करें उन्हें लाइफ में करना क्या है। तो यहाँ पर उसको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया कि ठीक है बैचलर्स कर ली, नो वरीज, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कुछ और है तो उसमें मूव कर दो, मास्टर्स एडमिशन इजीली मिल जाएगा। आप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई इंडिया से अगर कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, लाइक आप तो मास्टर्स में आए हो, ट्वेल्थ के बाद भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे एज बहुत कम होती है, घर से बाहर निकले भी नहीं होते हैं, और हमारे इंडिया इतना ओपन माइंडेड नहीं है। तो एक तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी की, सिक्योरिटीज के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर लड़कियों को अकेले रहने की क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, एंड यहाँ पर लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है उनको लेके, तो ये सारी बातें आप बताओ, ताकि जो आने वाले पेरेंट्स हैं, जो बच्चे आने वाले हैं, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस फील करें आने के लिए। जी, तो पेरेंट्स लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे, अगर उनके डॉटर्स आ रहे हैं तो वो कितना सेफ है? बहुत सेफ है वो, मतलब लाइक उनको परेशान तो नहीं होना, जैसे होता है ना किसी की बेटी है एंड वो पापा की परी मतलब बना के रखते हैं घर में, तो वो बाहर उन्हें घर से निकलना भी दुख होता है। तो डिपेंड करता है कि आप देखिए, जब न्यू जगह पर आते हैं इश्यूज बहुत रहेंगे, इट्स नॉट लाइक अ होम, आपको होम जैसा फीलिंग नहीं होगा, मम्मी नहीं रहेंगे, पापा नहीं रहेंगे, एंड अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आपको ये समझ लेना होगा कि यू हैव टू डू द सेल्फ मैनेजमेंट। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे, जितना सेल्फ मैनेज कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो मतलब पेरेंट्स लोगों को अपने सेफ समझना चाहिए, लाइक बहुत सेफ है। मैं खुद यहाँ पर हूँ 2 साल से, मुझे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। तो मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो कोई इशू है ही नहीं, मतलब इतना सेफ तो आप इंडिया में भी नहीं फील करेंगे जितना सेफ मैनेज यहाँ पर फील किया। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं खुद रात को भी ट्रेवल करती हूँ, इवन मैं यहाँ से रोम भी जाती हूँ अकेले, तो मुझे ऐसी कोई सच कोई। तो फॉर द गर्ल्स बहुत सेफ है, मतलब इट्स नॉट अबाउट इटली, ऑल ओवर यूरोप बहुत सेफ है, आप ट्रेवल कर सकती हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, आप नाइट में भी मूव कर सकती हैं, बट यू शुड बी सेल्फ मैनेज्ड। आपको यहाँ पर सेल्फ मैनेज, इंडिया में जैसे है कि यू विल गेट अ मेड, नो यू वोंट गेट अ मेड, यू हैव टू कुक अप योर ओन, तो आपको खाना वाना सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव होस्टल्स ऑल्सो, इफ योर कॉलेज प्रोवाइड यू द होस्टल्स एंड द कैंटीन्स, यू कैन ईट देयर, माइट बी, बट बीइंग फॉर इंडियन स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द पीपल हैज दिस इश्यूज कि खाना एडजस्ट नहीं होता। लाइक हम इंडिया के लोग बहुत कुजीन और खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, तो हमें एडजस्ट नहीं होता, तो थोड़ा जिनको एडजस्टमेंट इशू है तो वो आप प्लीज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास मेड है, आपको नहीं, यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी, आप खुद का काम, क्योंकि मेल अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, 1200-1500 यूरो लेगी, जो कि 1200-1500 पॉसिबल नहीं है। और इट्स बेटर ना कि आप अपना काम खुद करें, यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है कि नहीं ये मेरी करेगी, नहीं ऐसा नहीं है, आप खुद ही करना, बीइंग अ मैं खुद अपना सब कुछ करती हूँ। तो मींस लड़कियों को यहाँ पर आना सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, मतलब मैं तो 2 साल से हूँ, मुझे तो कोई रात में अकेले कहीं भी कोई इशू, यहाँ पर इक्वली ट्रीट करते हैं, तो ऐसे इक्वली ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं है। जैसे आप खाने का बोल रहे थे लोग खुद बनाते, तो खाने का यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, खाने का मतलब क्या नहीं मिलता है यहाँ पर मिलने का कुछ नहीं है, मतलब अगर आप दूसरी कंट्री में आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप दूसरे का कल्चर भी सीखें, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग। आप बाहर आ रहे हैं तो वो भी चाहेंगे कि आप, वो बहुत खुश होते हैं यहाँ पर, मैं खुद जनरली इटली में आकर मैं कुछ तो उनकी लैंग्वेज बोलना सीख रही हूँ, तो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और उनका खाना भी बनाना सीख लें, मतलब अच्छा है ना, दूसरे कंट्री का भी आप कुछ अडॉप्ट करें, जहाँ जाओ उस ज्योग्राफी के हिसाब से उसका थोड़ा सीखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर आप इंडिया को यहाँ लेके आएंगे तो फिर आप कैसे, जब आपने देखा होगा कि जब यहाँ से मतलब कोई भी अब्रॉड से कोई इंडिया जाता है तो वो भी अडॉप्ट करता है हमारे कुर्ते, हमारे साड़ी, हमारा खाना, कितना फैसिनेट होके पहनते हैं, फैसिनेट होके पहनते हैं, तो वैसे फैसिनेट होके हम भी कर ले, क्या है बाहर आए हैं तो थोड़ा सीख ले, नो प्रॉब्लम। So, मतलब खाने का ये है कि आपको इंडियन स्टोर्स मिल जाते हैं? हाँ, इंडियन स्टोर्स आपको मिल जाएंगे, आप
आपको बांग्लादेशी स्टोर्स मिल जाएंगे, आपको इंडियन एशियन स्टोर्स मिल जाएंगे, आपको जो मसाले चाहिए ऐसा नहीं कि इंडिया से लेके आना है, हाँ। सब मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा प्राइस की अगर बात कर ले मसाले और जो सामान है obviously expenses होने हैं, मतलब थोड़ा expenses थोड़ा सा है, expenses थोड़े से ज्यादा रहेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब आप यूरोप जा रहे हैं, आप यूरोप जा कमाएंगे भी आप मोटा पैसा, वो भी है। और आप इम्पोर्ट मतलब हम तो बाहर से ले मतलब यहाँ की तो चीजें नहीं है ना ये, हाँ। मसाले तो आपको इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका से ही आ रही है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जैसे हमारे हम पैसे लगा के आ रहे हैं तो चीजें भी एग्जैक्टली कस्टम्स में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, चीजें आने में टाइम लग जाती है, तो आप समझ सकते हैं चार्जेस आपको लगे। तो मतलब एक देखा जाए तो जैसे ऑन एन एवरेज हम बनाते हैं तो हमारा 100 यूरो के अंदर पड़ जाता है अच्छा खाना, अच्छा खाना। आपका कितने में लगभग? मैं नॉर्मली मेरा मन अगर मैनेजेबल है सेल्फ मैनेज कर सकते हैं कि जी, आपको जी। कितना एक्सपेंसेस इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ के नॉर्मली इंडिया में हम कोई भी चीज खरीदते हैं आप 40 रुपए जी 100 रुपए 150 यहाँ पर नॉर्मल आप चीजें मसाले वसाले कर रहे हैं 1 यूरो 2 यूरो 3 यूरो इससे ज्यादा आपने कभी खरीदा 1-2 यूरो एक एवरेज है जिसमें सारी चीज मिल जाती है। तो आप अगर मैनेजेबल है आप नॉर्मल 30 डेज का प्लान कर, कुछ हाई एक्सपेंसेस नहीं है आपके कि नहीं आज ये खाना है, मतलब कुछ अलग कॉफी जाना है, कुछ ऐसा कॉफी जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, अगर नहीं जाना है तो आप मैक्सिमम 50 यूरो उससे ज्यादा जाएगा नहीं। आप नॉर्मली राइस चपाती सब्जी ओके जो भी खाएं आप उससे ज्यादा नहीं खाएं। ओके सो मींस खाने में एक्सपेंसेस आने वाले नहीं, बट ऑल्दो स्कॉलरशिप मिल जाती है तो खाना भी इंक्लूड है। हाँ, स्कॉलरशिप का थोड़ा सा बता दो, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है? स्कॉलरशिप आपको यहाँ के अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ की इजी आपको शो फैमिली इनकम शो करना पड़ेगा, आपकी इंडिया का जो फैमिली इनकम आपको सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ेगा, वो यहाँ पर आगे इजीली कन्वर्जन करना पड़ेगा, यहाँ से काफ ऑफिस है वो आपका वैल्यूएशन कर देंगे, देन यू हैव टू अपलोड दैट थिंग इन योर पोर्टल इन योर यूनिवर्सिटी पोर्टल आपको वो ओके okay, तो जो ईसी की बात कर रहे हैं उसके वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी, पर आपको देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट, आपको अगस्त 10 से इटली मतलब फॉर माय कॉलेज आपको अगस्त 10 से पहले ये सब अपलोड कर देना पड़ेगा। ओके मतलब इनके पोर्टल पे तो अपलोड करने से पहले आपको ऑलरेडी यहां पर फिजिकली होना पड़ेगा, अगस्त 10 तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि तब तक फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। आप बोले एप्लीकेशन जो हमारा पोर्टल है हाँ, वो आपको कर देना एप्लीकेशन अगस्त 10 तक अगस्त से पहले पहले भर देनी है, और आपको मतलब यहाँ पर 15 सितंबर या 30 सितंबर से पहले पहले आपको अपना सब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर देना पड़ेगा, वो भी यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होके। ओके सो मीन्स आप लोगों को वीजा अपने फ्लाइट व्लाइट लेके 30 सितंबर से 2-3 दिन पहले आना है क्योंकि डॉक्यूमेंट भी यहाँ प्रिपेयर कराने हैं, प्रिपेयर कराना क्योंकि आपको फर्स्ट स्लॉट में आपकी आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। So, फिर जैसे कोई बंदा आ रहा है तो फर्स्ट मंथ के लिए कितने एक्सपेंसेस अपने साथ ले आए? नॉर्मली क्योंकि पहले मंथ में थोड़े खर्चे रहते हैं, डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं आपका, रेसिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं, परमिशन के लिए आपको पता है 102 हम लोग जो हम जी जी 102 फीस है एंड 16 यूरो स्टैंप लगता है वो लगता है एंड 25 यूरो हम काफ ऑफिस को देते हैं फिर नेक्स्ट होता है कि आप अगर आए हो तो हो सकता है कि आपकी हॉस्टल नहीं लगे तो 2-4 दिन होटल में रहना पड़ेगा खाने का, फिर न्यू जगह आती है तो आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी भी पड़ती है एडजस्टमेंट के लिए, तो आई विल से 1000 यूरो यू शुड 1000 मतलब आपने बहुत सेफ साइड बोल दिया, मतलब फॉर द सेफर साइड के लिए कि आप सेफ रहे क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि आप इंडियन कार्ड लेके आओगे और यहाँ पे स्वाइप करोगे तो आपको चार्जेस कटेंगे, तो आपको लॉजिकल है, तो इट्स बेटर कि यू शुड टेक 1000 यूरो इन कैश, हाँ मतलब वो आपको बच जाएगा, बरी मत करना, मतलब 600 के अंदर निपट जाता है तो फिर आपको बट बीइंग ऑन सेफर साइड कि आपका ट्रांजेक्शन चार्ज ज्यादा ना लगे, हाँ, exactly. तो आप एक्स्ट्रा मनी ले आओ, एंड उसका सेकंड अल्टरनेटिव ये कि फॉरेक्स कार्ड ले लो, कन्वर्शन रेट वो कम रहेगा आपका, तो वो नॉर्मली शॉपिंग वॉपिंग में यूज कर सकते हैं, तो आप लेके चले हाथ में। सो मीन कुल मिला के अगर हम ओवरऑल इटली की बात करें तो इटली में लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि नॉर्थ अच्छा है, साउथ में क्यों जाए, तो आप साउथ में हो तो थोड़ा साउथ की तारीफ कर दो, थोड़ा साउथ के बारे में बता दो मुझे, मतलब नॉर्मली बीइंग एन इंडियन पीपल मैं नॉर्थ मुझे जो इशू है मेरे पर्सनल इशूज के बारे में, मतलब नॉर्थ बहुत कोल्ड है, ओके ठीक है पहला नॉर्थ कोल्ड है और साउथ कोल्ड नहीं है, इट्स इसका टेम्परेचर कम्प्लीटली आपको इक्वल इंडिया की तरह लगेगा, मतलब यहाँ की लाइफ स्टाइल भी आपको इंडिया ही फील आएगी कि हम इंडिया में ही हैं, यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी एक्सपीरियंस ही शेयर करी कि मुझे बहुत फ्रेंडली लगा है यहाँ पर,
फिर यहाँ के एक्सपेंसेस आपने देखे होंगे कि नॉट एक्सपेंसेस से बहुत कम, मतलब आधे हैं, देख आधे हैं। वहाँ रूम 400-500 को मिलता है, यहाँ रूम में 150 से स्टार्ट हो जाता है, 150 स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपेंसेस बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। हाँ, क्योंकि तो जो अगर मिडिल क्लास से आ रहे हैं तो उनको ये सारी चीजें देखनी चाहिए, बहुत कुछ देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि अरे वो साउथ में, हाँ हो सकता है फार है, पर मेरे लिए तो बहुत बहुत अच्छा है, मैंने तो बहुत। अगर हम थर्ड बात करें सिक्योरिटी रीजंस की, जो मैंने खुद फील किया, जैसे आप रोम वगैरह जो बड़ी सिटीज हैं तो वहां पर माइग्रेशन बहुत होता है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो थोड़ा सा वो कम सेफ रहता है एज कम्पेयर टू अगर हम साउथ की बात करें। साउथ में क्या, जैसे आप मेरा इंडिया की तरफ चल रहता है, यहाँ पर लोग भी अच्छे हैं, यहाँ इतना माइग्रेशन भी नहीं होता। हाँ, लोग आपको माइग्रेशन नहीं होता क्योंकि साउथ एरिया है, माइग्रेशन कम है नॉर्मली आपको, मतलब हाँ थोड़ी सी आपको थोड़ी सी, ये तो डिपेंड करता है कि लोगों पर डिपेंड करता है कि किसको क्या फैसिलिटीज चाहिए, पर ओवरऑल अगर आपका मतलब आइडिया और आपके व्यूज सिर्फ स्टडीज के लिए है मोस्ट वेलकम। आपको देख के ऐसा लग रहा है जाना नहीं चाहोगे, क्या होता है माइंड में चल रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है। सो अगर कोई आता है बंदा, तो आप उसे कैसे 2-3 चीजें क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंड करोगे अपने साथ लेके आए खाने बनाने के लिए, या यहाँ पर सामान मिल जाएगी उसे खाने के लिए? क्योंकि सामान मिल जाएगी, दैट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट। आप लेके आए, मतलब लेके क्या आना है आप? मैं तो रिकमेंड करता हूँ कुकर लेके आओ सारे। एग्जैक्टली, कुकर लेके आ सकते हैं। मतलब पर्सनली मैंने नहीं लाया था, मैंने कुछ भी नहीं लाया था, मैं सिर्फ खुद आ गई थी। हाँ, मेरा मेन इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आप प्लीज फैमिली इनकम बना के ना, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। आपके आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि आप उसके ज़ेरॉक्स लेके आओ। हाँ, उसके ज़ेरॉक्स होंगे, यहाँ पर ज़ेरॉक्स पहले आके समझ नहीं आएगा कहाँ क्या जमा करना है। बहुत महंगे महंगे तो नहीं है, मैंने तो 10 पेजेस अभी तक तो 20 सेंट्स में करवाया। कहाँ से करवा लिए? कॉलेज के पास। हमें सब पूछनी पड़ेगी, हमने एक एक फोटोकॉपी को 50 सेंट दिया है। ठीक है ठीक है, हम पूछेंगे, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, शायद आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। बहुत महंगा पड़ रहा है हम लोगों को तो, बहुत चीप है, वैसा कुछ नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें। अरे डिपेंड्स कि आप क्या लेके आना चाहते हैं, इट डिपेंड्स आपको जो खाना है। तो आपको क्या लगता है लोगों को कंबल वगैरह लेके आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, नो प्लीज नो, यहाँ मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं। हाँ, अगर आप नहीं खर्चा करना चाहते तो आप ला सकते हैं 46, मतलब जो आप एक्सट्रीम लगेज चादर ले, एक एक्सट्रीम लगेज आप अगर 46 kg का परचेज करते हैं, मतलब जो आप हम लोग लेते हैं लगेज 46 kg में, आपको जो कम्फर्टेबल लगता है, थोड़ी प्लेट्स जो यहाँ पर स्टील्स नहीं मिलेंगे, हाँ दैट इज एन इशू, आपको स्टील्स के बर्तन यहाँ मिलना थोड़ा सा इशू है। तो मतलब अपने क्रॉकरीज है यहाँ पर, तो इसीलिए आप वो सब ले सकते हैं, जस्ट फॉर मेन कुकर, एक पैन, दैट्स इट, ज्यादा ला सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा अपना लगेज नहीं बढ़ाना है। लाइक कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। लाइक अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी अच्छा है, प्रोफेसर से बात करें वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आप प्रोफेसर से बात करें या फ्रेंड से बात करें। मतलब ये हमारे इंडिया का कल्चर नहीं कि सर बोलना है, मैम बोलना, तो वही एक डिफरेंस आ जाता है, पर यहाँ पर क्या सीधे प्रोफेसर बोलो, नाम लो है। हाँ, यहाँ बहुत फ्रेंडली है यहाँ पर, मतलब मुझे भी पहली बार जब मैं आई थी तो मुझे नहीं समझ आया था कि प्रोफेसर थे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, और आई एम रियली शॉक्ड कि वो इतने फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लाइक एजुकेशन के साइड में, अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह देखना चाहते हैं तो उसका क्या स्कोप है यूरोप में और जहाँ पर रह रहे हो यहाँ दोनों को? अगर पार्ट टाइम जॉब्स, एज मैंने बोला कि आप इंटर्नशिप्स ट्राई कर सकते हैं एज अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, बट अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस नहीं रहा और आप कोई जॉब करना चाह रहे तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट है, पर मिल जाएंगे, नहीं मिलने का मतलब नॉर्मल आप अपने एक्सपेंसेस जैसे मैनेज करना चाहते हैं। मींस आप ये बोल रहे हो अगर आप टेक्निकल फील्ड में जॉब लेना चाहते हैं तो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है बट अगर हम अगर अदर देन डिलीवरी वाली जॉब, एग्जैक्टली, आपको मिल जाएगी, आपके पास रिसोर्स है, आपको काटा दी आइडेंटिटी का जो इटली में चलता है वो आप बना के रखेंगे। Okay, तो आप कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीडियो को एंड की तरफ जाते हुए, अब मैं लास्ट क्वेश्चन
आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स को और जो डॉटर्स हैं जो स्टूडेंट हैं उनको, कि वो यहाँ आने से पहले क्या एक थॉट माइंड में लेके चलें और किसी की ना सुने, क्योंकि यहाँ पर बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं जो लोगों को भड़काते हैं, जो गलत वीडियो डालते हैं बिकॉज ऑफ व्यूज। मैंने ऐसे वीडियोस देखे जो दिखाते हैं कि स्कॉलरशिप एक फ्रॉड है, स्कॉलरशिप नहीं है। कुछ मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पर इटली में यूनिवर्सिटीज में बच्चे नहीं है, टीचर नहीं है, वो केवल यूनिवर्सिटीज भरने के लिए बुला रहे हैं फ्री में। तो आपने कुछ ऐसा एक लास्ट वर्ड ताकि जो लोगों को ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, वो बताएं। फॉर एवरी वन मैं यही बोलूंगी, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका आइडिया, अगर आप टारगेट सेट करके ही आए कि आपको पढ़ना है, तो जो बेस्ट जगह है इटली, आप आ सकते हैं, पढ़ाई करें, स्कॉलरशिप आएगी, कोई नहीं रोक सकता आपकी। ये सब फालतू है, सबको मिल जाती है, सबको मिलती है, जितने भी आपके मार्क्स हैं आपके। हाँ, यहाँ पर देखिए हर चीज का एक क्राइटेरिया, कोई भी चीज वैसे तो नहीं आती, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट ही आप पढ़ें, आप पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो भाई, पढ़ो बस, आपको कुछ नहीं करना। लोग करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, बस देखते हैं, तो फिर आपको नहीं आएगी। कुछ सरकार यहाँ जब पैसा दे रही है, तो आप सोचो 5 लाख रुपए आपको दे रही है, तो आप काम क्यों कर रहे हो, पढ़ो, क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करो आप। तो आप पढ़ाई करने आए हैं, तो आप पढ़ाई करने आए, अगर आपने सेटअप करके आया कि आपको बाहर जाके जॉब करना है, तो फिर सम डिफरेंट थिंग वो, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ और मेरी स्कॉलरशिप तो अभी तक रुकी नहीं है। हाँ, तो देखो एक पॉजिटिव आपको यहाँ से लेना चाहिए कि हमारी दीदी पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप भी चल रही है, तो आपको सोचो पैसा मिल रहा है, पढ़ रहे हैं तो और क्या चाहिए। एग्जैक्टली, आपको पढ़ाई, आप पढ़ाई करेंगे, कॉलेज के एग्जाम्स भी निकल जाएंगे। हाँ, हर चीज का एक टारगेट तो होता है कि आपको उतना लेवल का क्रेडिट्स उठाना है, वो आपको तो रखना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम इतने हार्ड नहीं है, इतने हार्ड नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई करो, एग्जाम आराम से निकल जाएंगे, स्कॉलरशिप आराम से आ जाएगी, क्लासेस करें, पढ़ाई करें, स्कॉलरशिप अपने आप आ जाएगी, उसका सोचना ही नहीं है। मैंने भी फर्स्ट क्लास की पढ़ाई की, और अटेंडेंस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अटेंडेंस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर तो समझ ही नहीं आता कब सेमेस्टर खत्म हो जाता है, इतनी छोटी सेमेस्टर है, मतलब मजे में चले जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि डर लग रहा है, मतलब मजे में चला जा रहा है, प्रोफेसर के साथ हंसते खेलते चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपको मैसेज आके ऐसा होता ना कि सारी चीज तो पॉजिटिव बता दी, कोई एक चीज ऐसी आप बताओ नेगेटिव जो आपको बुरी लगे, जो मतलब आपको भी फेयर हुआ हो उसका, या कभी आपको लगा यार मैंने एक गलती कर दी यहाँ की, एक चीज ऐसी कुछ अगर आपको लगा, मतलब आपको बेटर लगा, मुझे बेटर लगा क्योंकि मैंने जब इंडिया से मैं आई थी तभी मेरा आइडिया सेटअप था कि मैं कुछ जिस कंट्री में भी जा रही हूँ मैं उसको अडॉप्ट करूंगी। Okay. अगर आप एक मेंटेलिटी सेट करके आते कि आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए हर चीज फिजिबल है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे इंडिया में सब कुछ मीन्स आप अगर एक्सेप्टेबल होके आएंगे, अडॉप्टेबल होके आएंगे, तो आप कर लोगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी तक पास्ता खाना सीख लिया, पिज्जा बनाना सीख लिया इनके साथ, तो एक दिन हम पिज्जा की भी वीडियो लेके आएंगे दीदी के साथ, डोंट वरी। इवन मेरे इटालियन फ्रेंड्स भी हैं, मेरे क्लासमेट्स इटालियन हैं, मेरे रूम में इटालियंस हैं। अच्छा, तो मतलब ये लोग हमारे साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से। आप दोस्ती करेंगे तो वो भी दोस्ती करेंगे ना, आप अगर दूर भागेंगे तो वो भी दूर भागेंगे। नॉर्मल आप दूसरी जगह आते हैं, नॉर्मली वो लोग भी आपको लेके थोड़े से सस्पिशियस रहते हैं, जैसे आप सस्पिशियस। करेक्ट करेक्ट, तो अगर आप फ्रेंडली होंगे तो वो भी फ्रेंडली होंगे। तो मीन्स अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक जैसे आपने इन जैसे कंट्री में फील करते हैं जैसे वहाँ पीपल, ऐसे सेम पीपल आपको यहाँ मिलेंगे। Exactly. आप अच्छे से बिहेव करो, वो अच्छे से बिहेव करेंगे। एजुकेशन बहुत अच्छा है, पढ़ने के लिए कंट्री बहुत अच्छी है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो कंक्लूजन हमारा ये कि लाइक यहाँ एक गुड अच्छी लाइफ आप जी सकते हो, आप पढ़ाई भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड वी विल ask our audience to share their questions. If they have any other questions, exactly. We will definitely ask for her because she have a very busy or tight schedule. So if she is possible to answer your questions, we will definitely call her. And if you want to contact or ask anything about her, any personal question, so we will pin her Instagram link in the description. You can see there. So hope so you like her experience, like the video. So let's meet in the coming next video. Till then, bye bye, ciao. Bye. Hi, thank you so much.